IBN 7 हौसला है। और आज मकर संक्रांति है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य की एक राशि से दूसरी में प्रवेश को संक्रमण या फिर संक्रांति कहा जाता है। बिहार की राजनीति भी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। बिहार में नवंबर में चुनाव है, ऐसे में सियासी पार्टियां वोटों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मकर संक्रांति के दिन बिहार में आज के दिन चूड़ा दही खाने की परंपरा है। लालू प्रसाद यादव के घर पर चूड़ा दही समारोह भी इसी सियासत की कड़ी है। आज लालू के घर तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे। लालू राबड़ी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर भी दही चूड़ा के भोज की व्यवस्था थी। बता दें कि नीतीश कुमार आज इस समारोह में नहीं गए, उन्होंने न जाने के पीछे तबीयत खराब होने की वजह बताई। जबकि इसी समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चूड़ा दही समारोह में लालू के घर पहुंचे। नीतीश और मांझी के बीच आजकल सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा, उनके बीच लगातार तनातनी की खबरें आ रही हैं। मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को बिहार जनता दल यूनाइटेड प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह चूड़ा दही का भोज आयोजित कर रहे हैं। उधर न्यू पटना क्लब में आयोजित इस भोज में 12,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। अब से कुछ देर पहले शरद यादव भी वहां पहुंचे। उनके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री भी न्यू पटना क्लब में पहुंचे। और मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर पहले खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के घर पहुंचे, जहां पर उनके अलावा कई और मंत्री भी थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी, उसके अलावा रामविलास पासवान जिनके घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उनके पुत्र चिराग पासवान भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दही चूड़ा चाहे मंत्री रहे हों रामविलास पासवान या न रहे हों, इस अवसर को उनके घर पर जरूर मनाया जाता है। और आज प्रधानमंत्री समय निकालकर वहां पहुंचे। प्रकाश जावड़ेकर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ नितिन गडकरी यानी अपने मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री यहां इस समारोह में पहुंचे थे। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं, सांसद हैं।